इंजेक्शन लगाने के लिए जिन चीजों की जरूरत होगी, ग्लव्स, डिस्पोजेबल सिरिंज, इंजेक्शन एम्पोल या वेल अल्कोहल स्वैब या स्पिरिट, प्लस कॉटन ग्लूटल मसल इंजेक्शन को बट इंजेक्शन, डर्सो ग्लूटल इंजेक्शन या हिप इंजेक्शन भी कहा जाता है। सबसे पहले ग्लव्स पहने। ग्लव्स पहनना इसलिए जरूरी है ताकि आप और पेशेंट दोनों इन्फेक्शन से बचे रहें। अब सायरेंज का पैक खोलें। पैक खोलते समय ध्यान रखें कि पैक टूटा हुआ ना हो। अगर पैक खुला हो तो उस सिरिंज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नीडल को सिरिंज पर अच्छे से टाइट कर लें। अब इंजेक्शन एम्पूल को तोड़ें। एम्पाउल दो तरीकों से टूट सकता है, हल्का सा टैप करके या दोनों अंगूठों से धीरे दबाकर। अब मेडिसिन को धीरे धीरे सिरिंज में भरें ताकि बबल्स न बने। अगर बबल्स आ जाए तो सिरिंज को हल्का टैप करके हवा बाहर निकाल दें। अब इंजेक्शन साइट समझते हैं। बटक को पहले हॉरिजॉन्टल और फिर वर्टिकल दो हिस्सों में बांटें। इस तरह बटक चार बराबर हिस्सों क्वाड्रेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। इंजेक्शन हमेशा अपर आउट क्वाड्रेंट में लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि इस हिस्से में मसल सुरक्षित होता है, सायटिक नर्व और बड़ी ब्लड वेसल्स पास नहीं होती। अगर गलती से इंजेक्शन सायटिक नर्व में लग जाए तो पैर कमजोर या पैरालाइज भी हो सकता है, इसलिए इंजेक्शन सिर्फ अपर आउटर क्वाड्रेंट में ही लगाएं। इंजेक्शन लगाने का तरीका, कपड़ा हटाएं, कपड़े पर इंजेक्शन ना लगाएं। अल्कोहल स्वाब से इंजेक्शन वाली जगह को साफ करें। नीडल को 90 डिग्री एंगल पर मसल में इंसर्ट करें। मेडिसिन को धीरे धीरे इंजेक्ट करें। नीडल निकालकर स्वाब को जगह पर प्रेस कर दें। बस इंजेक्शन लगाना पूरा हो गया।